हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू हेड गर्ल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एवर स्टाइलिश का हॉल। मैंने एवर स्टाइलिश से बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, तो अगर आपको जानने में कोई भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। ऑल्सो वीडियो में एक छोटा सा मैंने एक चीज़ भी नोटिस किया, लाइक इस बार कुछ अलग हो गया था। लाइक मैंने ऑलरेडी एक एवर स्टाइलिश का हॉल किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आपको वो देखना है तो आप जाके चेक कर सकते हो। और सो इस बार थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ था, तो मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, वीडियो एंड तक देखिएगा। और सभी चीज़ों के प्राइसेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, एवर स्टाइलिश का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो या, और ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम सब्सक्राइबर है एंड मैं एज अ कंज्यूमर ये सारी चीज़ें मैंने खरीदी हैं। ऑल्सो आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरा आगे आने सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल्सो मैं से बहुत सारी चीज़ों की खरीदती रहती हूँ, तो सभी का मैं छोटा सा क्लिप वगैरह इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, आई थिंक इस बार वाला जो मुझे आई थिंक पार्सल बहुत पहले रिसीव हो गया था, लाइक लास्ट वाला 1 वीक या 10 डेज के आसपास लगा था, बट अभी वाला आई थिंक मुझे शिप जब हुआ था, मैसेज हुआ था उसके बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही रिसीव हो गया था। मैं स्क्रीन पे आप मेंशन कर दूंगी मुझे कितने डेज में रिसीव हो गया था, तो एडिटिंग में ये चीज़ काम करना होगा मुझे। एंड कमिंग टू हॉल, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर आपने मेरा फर्स्ट हॉल देखा हो तो आपको पता होगा कार्डबोर्ड का एक इस तरह का बॉक्स में भेजता है, एंड इसको ओपन करने के बाद उसके ऊपर एक फोम का फिल्म रहता है, एंड उसके नीचे भी एक फोम का फिल्म होता है, एंड हर एक ज्वेलरी इस तरह से कार्डबोर्ड के ये पेपर के इसमें फंसा रहता है, एंड एक प्लास्टिक में पैक्ड रहता है। ये वाला पता नहीं, आई हैव नो आइडिया फट कैसे गया, मैंने और फाड़ दिया इसे, तो आई हैव नो आइडिया कैसे फट गया। सो गाइज, द फर्स्ट ज्वेलरी समथिंग लाइक दिस, लाइक यू कैन सी यहाँ पे एक हुप है एंड इसके थ्रू एक ब्लेड है, एंड ब्लेड टाइप का डिजाइन है, नॉट एग्जैक्टली ब्लेड है, तो ये आप इस तरह से ऐसे करके इसे पास करा सकते हो, एंड आप जितना चाहे उससे एडजस्ट कर सकते हो, लाइक इफ़ यू कैन मेक इट लाइक दिस यू कैन ऑल्सो वेयर इट लाइक दिस, और या तो आप इसे ढीला कर सकते हो, दैट इज लाइक रियली लूज लाइक दिस, आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, ओके या यू कैन मेक इट लाइक दिस। तो यहाँ पे नीचे एक छोटा सा ब्लेड है, तो ब्लेड का डिजाइन में एक लॉकेट जैसा फंसा हुआ है, तो दिस इज द फर्स्ट ज्वेलरी। सेकेंड ज्वेलरी कुछ इस तरह का है, ये एक्चुअली दो रिंग है विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड ये कुछ इस तरह का दिखता है, एंड इसमें एडजस्टेबल चेन नहीं है, एडजस्टेबल चेन सिर्फ उसी में था, इसमें एक्चुअली आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो चेन को, बट नॉट दैट मच। गाइस, दिस इज द सेकेंड ज्वेलरी, ये रिंग वाला कुछ इस तरह का दिखता है। गाइस, कमिंग टू थर्ड ज्वेलरी, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। एक्चुअली ये जो छोटू वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रिंग वाला थोड़ा लूज है, एंड ये जो है ये एक्चुअली चोकर काइंड ऑफ है, मतलब ये आपके गले में जाके एकदम चिपक जाएगा, तो इट्स लाइक चोकर एंड देन बड़ा लॉकेट है। एंड द थिंग इज, ये मैंने पहले पहना था, इसलिए मैं बोलती हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होते तो आपने देखा होता ये मैंने पहना हुआ था, और ये एक्चुअली मैंने फुल डे, मतलब बहुत बार मैंने पहना है इसे, आई थिंक 4 to 5 times, एंड ये फर्स्ट एक दिन मैंने पूरा फुल डे पहना था, एंड थोड़ा सा मैं बोलूँगी कलर थोड़ा चला गया है, लाइक ऊपर एक बहुत शाइन, लाइक बाकी से आप जो देख रहे हो बहुत शाइन गोल्डन है, पर ये थोड़ा सा इसका शाइन जो है गोल्डन से थोड़ा डल हो गया, लाइक गोल्डन अभी भी है पर इसका शाइन थोड़ा डल हो गया। दिस इज द नेक्स्ट ज्वेलरी आई थिंक, या सो दिस इज द चोकर, एंड मैंने लास्ट वाले हुक में फंसाया भी नहीं है, आई थिंक मैंने थर्ड या फोर्थ हुक थोड़ा पहले फंसाया है, एंड ये नीचे ये रिंग है, तो इस तरह से ये लूज रहेगा, एंड वन इज चोकर, सो ये कुछ इस तरह का दिखता है। ज्वेलरी में ये हो गया लास्ट पीस, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, इट्स लाइक समुद्र एंड बीची वाइब्स देता है, ये एक्चुअली शेल है एंड ये दूसरा शेल है, एंड जो मैं बोलने वाली थी ये एक्चुअली इसी के बारे में, जो फर्स्ट टाइम मुझे रिसीव हुआ था, मैं पहले ही बहुत पहले ही ये हॉल करने वाली थी, क्योंकि मुझे बहुत पहले रिसीव हो चुका था, बट द थिंग वॉज ये जो इसका लास्ट में जो हुक होता है, ये जो हुक था ये टूटा हुआ था, लाइक ये बैक वाला जो हुक था वो टूटा हुआ था, तो मैंने रिप्लेस के लिए दिया था, तो द गुड थिंग इज कि इन्होंने तुरंत जब
मैंने पहले कंप्लेन किया, लाइक आपको विद इन 3 डेज आपको रिटर्न के लिए कंप्लेन करना पड़ता है, तो मुझे उसी दिन दिख गया था, तो इसलिए मैंने शाम तक कह दिया था। नेक्स्ट डे मुझे पिकअप के लिए आ गया था, और फिर जब पिकअप मुझे मैसेज आया था मेरे फ़ोन पे, एंड देन आफ्टर पिकअप होने के बाद जब वहाँ डिलीवर हुआ, तो मैंने रियलाइज़ किया था कि आपके वेबसाइट में, मतलब उनकी वेबसाइट में कुछ दिया हुआ था कि लाइक आपको ये सारी चीज़ें लिख के बॉक्स में डाल के देना होगा। मैंने वो चीज़ नहीं देखा था, एक्चुअली पर्सनली मैंने वो चीज़ नहीं देखा था, तो मैं बाद में देखी, तो मैंने उनके नंबर पे कॉल किया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आप एक बार जब हमारे पास रिसीव हो जाएगा तो फिर आपको मैसेज आएगा, तो आप मुझे हमें एक बार फिर से कॉल कर लीजिएगा। तो फिर मैंने जब मुझे रिसीव हुआ था, आई थिंक 2-3 दिन बाद फिर उन्हें रिसीव हो गया, तो फिर मैंने कॉल बैक किया था उन्हें, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ गया है, हमने देखा कि आपके पास हमारा आ गया है सामान, तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे, आपको पहुंच जाएगा। एंड जब मेरा बात हुआ, तो उसके 2-3 दिन के बाद ही वापस उन्होंने रिप्लेस करके नया दिया है, सो इट्स द न्यू वन, सो दैट्स अ गुड थिंग, लाइक बहुत इजी रिटर्न पॉलिसी। चूड़ी कुछ इस तरह का दिखता है, ये अगेन मैंने लास्ट हुक में नहीं फंसाया, लाइक चेन जहाँ चेन का फर्स्ट हुक शुरू होता है उसके 1 या 2 लूप के बाद मैंने फंसाया है, तो नेक्स्ट वाला कुछ इस तरह का दिखता है, एंड इट्स सो क्यूट, लाइक मुझे पूरा फुल पीची वाइज दे रहा है, लाइक बहुत बीच काइंड ऑफ, मुझे घूमने जाने का मन कर रहा है। सो यार नेक्स्ट ज्वेलरी ये था, दिस वॉज द एंड ऑफ वेस्टर्न ज्वेलरी। अभी मैंने सिर्फ वहां से 2 एथनिक ज्वेलरी मंगाई थी, सो या एथनिक पे चलते हैं। तो कमिंग टू एथनिक ज्वेलरी, तो उसमें पहला ज्वेलरी कुछ इस तरह का दिखता है, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल चोकर सेट। ये एक्चुअली मैंने इसीलिए खरीदा है क्योंकि ऐसा मेरे पास एक इयर रिंग है, तो मैंने सोचा उसके साथ पहनने के लिए एक चोकर सेट अच्छा लगा था। एंड ये कितना इस गाइस, नेक्स्ट जो एथनिक ज्वेलरी है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ये एक्चुअली एक मिरर चोकर सेट है, इसके साथ एक पेयर ऑफ इयर रिंग्स भी आती है, लाइक इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो यस गाइस, दिस इज हाउ द ज्वेलरी लुक्स, एंड ये उसके साथ इयर रिंग भी जो है। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे भेट कर दीजिएगा। और सो मैं इंस्टाग्राम पे इसी तरह का कुछ कुछ हॉल डाल देती हूँ, छोटे छोटे जो होता है मिनी हॉल, जो कि ज्वेलरी या फिर क्लोथिंग या फिर ये सब छोड़ के होता है, मेकअप छोड़ के होता है, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो इंस्टाग्राम का हैंडल लिंक स्क्रीन पे फ्लोट कर रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और सो एवर स्टाइलिश का जो पहला हॉल था, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, एंड एवर स्टाइलिश का वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।